प्रीमियर जो कि 7 जून रिलीज होने जा रही है अजो उत्थे जाना सी ते मैं वेयर किया वाइट कलर का सूट गाइस पूरा सूट दिखावांगी बहुत ज्यादा प्यारा है अगर किसी ने भी ये सूट बाय करना है तो इंस्टाग्राम पे इसकी फुल डिटेल दी हुई है कितों आया कि बुटीक तो आ सूट बनवाया है बहुत ज्यादा प्यारा वा तो तुम बना सकते हो सो ज्यादा गल्लां ना करते हुए आप मेकअप का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं स्किन पर प्रैप कर चुकी हूँ मैं जी स्किन केयर सी गाइज मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एंड जो भी मैं अप्लाई करती हाँ वो तुम मैं वक्रा ब्लॉग बना के देवगी स्पैशल स्किन के रिकॉर्डिंग जिदा कि तुम पता हूँ मैं स्किन का कोर्स भी किया है सो मैं तुम्हें स्किन की प्रॉपर नॉलेज देवगी वक्रा ब्लॉग बनावगी सो सब तो पहला आप यूज कर रहे हैं 4 Hour 52 का प्राइमर बहुत ही ज़्यादा वधिया वा एंड लोग ज़्यादा मोस्टली चिक्स पर लाते हैं कि उन्होंने ओपन पोर्स होंगे है बट मैं ये होंगे कि सारे फेस से प्रॉपर इनू अप्लाई करना चाहिए पहली गल आई एम नॉट प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट तो पर मैं अपने जोगा मेकअप कर लैनी हाँ तो सारिया कुड़ियों को अपने जोगा आना चाहिए पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए मैं लगता इतने मैंने दुपट्टा पा लेना चाहिए मेकअप ना लग जाए लेने जो जो अपना मेकअप आ बेस वगैरह ना लगे शर्ट वगैरह तो है ना ज़्यादा वधिया रहेगा सो आप प्राइमर अप्लाई कर चुके हैं होंगे गा इस प्राइमर तो बाद अपना कंसीलर कंसीलर ऑरेंज कलर का भी आता कलर करैक्टर जिन्होंने कह दें ऑरेंज भी आता काफ़ी कलर्स के आता वो उदो यूज करने की जरूरत पैंती है जो तो फेस से हैवी पिगमेंटेशन होंगी है जो डार्क स्पॉट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर अपन लोड़ पैंती है सो टचवुड मेरा फेस क्लीन हो चुका है सो मैनू हूँ इन्नी ज़्यादा नहीं जरूरत हैगी कलर करैक्टर की सो मैं सीधा ही फाउंडेशन अपलाई करांगी सो जी मैं सॉरी फाउंडेशन अपलाई करांगी गाइस मेरी फेवरेट ईस्टर लॉडर की आ डबल डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप टिंट लॉन्चर बहुत ज़्यादा SPF 10 भी ये बहुत ज़्यादा वधिया बहुत ज़्यादा और यदा स्टे गाइस बहुत ज़्यादा लोंग आ काफ़ी लंबा यदा स्टे आ बहुत ज़्यादा वधिया लगती है मैं दुपट्टे नाल इहनू साफ कर लैणा स्टे बहुत ज्यादा है लॉन्ग लॉन्ग लास्टिक है एक्सपेंसिव है काफी है लाइक किडनी बेचने की लोड़ नहीं पैंती जिवें मेकअप आर्टिस्ट बोल दें मैंने किडनी बेच के ये लिया है किडनी बेचने की तुम जरूरत नहीं है तो बड़ी माइनर जी लग जाती है तो देख सकते हो बिल्कुल माइनर जी मैं लीती है इनू थोड़ा एक्स कर लें हम बड़ी माइनर जी लैके इनू आप डॉट डॉट मोशन दे विच लगा लेंगे अपना अपना सबना दा तरीका हुंदा कोई सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर दिंदा है ना बट इनू थोड़े वार्म करके लगाने तो ज़्यादा वधिया ब्लेंड आता है एक बार डिप कर चुकी हाँ उहदा बेनीफिट है कि जो तुसीं पानी च डिप कर दो तो यह स्पॉन्जी जिहा अच्छा बन जाता है तो कि रीजनेबल आ कि एक्सपेंसिव आ जरूरी नहीं एक्सपेंसिव चाहिए आ टेक्नीक होनी चाहिए तुहानू अप्लाई करन दा पता होना चाहिए एंड ये रहा गाइज कंसीलर जिहड़ा कंसीलर है वो मैं यूज करती हूँ गाइज कलर बार का शुरू तो आदत पई हुई है मैनू गाइज कलर बार की क्योंकि मैनू ना बहुत ज़्यादा वधिया लगता जिहड़ा कंसीलर है किहड़ा कलर आ जिहड़ा तुहाडी आईज नू ना बिल्कुल कवर कर दे पर डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं दे दे टच वुड मेरे तो है नहीं कभी मेकअप नहीं सीखा है मैं खुद ही करवा करवा के मेकअप जिन्हें मेकअप करवाने पेंदे सानू शूट वगैरह ते किवें यूज करते किहड़ा प्रोडक्ट किवें अपलाई करते किन्ना करते किहड़ी क्वांटिटी च करते वो सारा मैनू मैं सीखिया सीखा वेख वेख के ते आपां जदों नॉर्मली भी पार्टी मेकअप भी कराइए तो 2500-3000 तो नॉर्मल है ना गाइज सो उहदे नालों बैटर है कि 2500-3000 दिंदे आपां प्रोडक्ट लैइए तो खुद मेकअप करिए तो ज़्यादा वधिया लगता फाउंडेशन और कंसीलर लाने तो बाद मैं सैटिंग स्प्रे लाऊंगी ये छोटा जहा फैन तुम्हें मीशो तो मिल जाएगा गाइस तुम ऑर्डर कर सकते हो बहुत हेल्पफुल है
तो बाद गाइज आप करेंगे आईज मेकअप। वेस्ट होवे थोड़ी जी फाउंडेशन भी, सो अपन नैक अपलाई कर लेंगे अपनी ते, क्योंकि नैक तुम जिदा कि दसा कि ईवन आ, ईवन रखनी चाहिए है, फेस नाल ही मैच करनी चाहिए है। सो मेरे सूट च जो कलर है काफी है, तुम आम तो देख सकते हो। सो आप सब तो पहला जो अपलाई करेंगे वो करेंगे बेस कलर, सिर्फ आप क्रीज क्रीज बनावांगे क्योंकि आप वी आर नॉट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। सो आप जिन्ना कर सकते हैं उन्ना की करना है, वादू के चक्कर दे विच ये ना हो कि अपनी ही कपाड़ा कर लिए। सो आप डार्क ब्राउन शर्ट कलर लिया मैं थोड़ा जहा बेस दे विच। कलरफुल आई शेडो पैलेट जिसे काफ़ी ज़्यादा कलर आ, सो येलो लावांगे थोड़ा आउट लगेगा, तो मैं इहदे विच थोड़ा जिहा ग्रीन जिहड़ा वो गाइस लै रही हूँ। आप ग्रीन लवेंगे और पूरी आईलेट ते उन्हों जिहड़ा अप्लाई कर देंगे। प्योर आईलेट तो आपां ग्रीन जिहड़ा कलर है वो अप्लाई कर लिया गाइस। जिदा कि आपां ग्रीन अप्लाई कर लिया उस उपर आपां थोड़ा जिहा हल्का जिहा शिमर ऐड करांगे तां जो जे आपां नूं ग्रीन ज़्यादा लग रहा अपनी आईज ते तो वह मलसीफाई हो जाता वा। सो मैं इहदे विच लाऊंगी रोज़ गोल्ड, बेस अपना रह गया गाइज ग्रीन, तो उपर आप रोज गोल्ड अपलाई करता ता जो अपनी आईज जी ज्यादा ऑड ना लगन। सो तुसी देख सकते हैं गोल्ड एंड ग्रीन का जो कॉम्बीनेशन आ लगा, आप ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर मैरिज फंक्शन, आप एक प्रीमियर से जा रहे हैं। सो उस हिसाब के नाल करते हैं एंड उस तो बाद जरा आप करेंगे आईब्रो फिल। मेरे आईब्रो गाइज उमें बहुत डार्क आ, तुसी देख सकते हैं मैं कुछ भी अपलाई नहीं किया, बट मैनू ना एक इस बार थ्रेडिंग करवाते समय मेरे फ्रेंड तो आईब्रो कुड़ी ने पसले करते उमें ऑलवेज बहुत सोहनी थ्रेडिंग करती है, इस बार उत्तों ना थोड़े गलती दे नाल पतले हो गए। सो अपन उन्हें फिल करना वा, देखो अपना डाइन हो गया आइज, तो आप लगावे मस्कारा, तो मस्कारे तो पहला लगावे गई आईलाइनर। आईलाइनर ब्लू लगा रही हूँ मैं क्योंकि मेरे सूट के थोड़ा थोड़ा ब्लू के फ्लावर्स भी है। मैं आइज दे नीचे भी हल्का हल्का ब्लू लाइन ही दिती है गाइज, ओह इस करके कि फिर गाइज आइज मेकअप दी फिनिशिंग आंदी है। मैं वाइट आईलाइनर इसलिए यूज किया गाइज कि मेरी आइज ना बहुत ब्लैक आ, ते मैं ब्लैक पा लेनी है ना ते कजल तो बहुत ज्यादा ऑड जिहा लगदे आ मैनू, सो मैं वाइट ही यूज कर दिया मोस्टली तुसी मेरे देखोगे तो। हुण आपां अप्लाई कर दें मस्कारा, दूसरे वाला कर दें
गाइस मैं आईलाइनर नहीं लगाती, ब्लैक वाला भी बहुत घट लगाउनी है, एंड मैं आईलैशेस बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। सिर्फ कभी कदाई है जब किसी शूट वगैरह ते ला लिया तो ला लिया, अदरवाइज मैं आईलैशेस भी ज़्यादा यूज नहीं करती क्योंकि मेरी आप दी जी आईलैशेस है काफ़ी लंबी है। गाइज मैं एक छोटा जहा सोचती पई हाँ ब्लॉग बनाउण दा कि जिहदे च करांगे आपां दिल दीआं गल्लां, ते देख सकदे हां गाइज मेरी आपदी आईलैशेस बहुत सोहणीआं ते मस्कारा लाउण तों बाद बड़ीआं प्यारीआं हो जांदीआं। ते सारा जदों मेकअप करदे आ ना ते मेरा तेल जिहड़ा ना ओह थल्ले छुप जांदा है क्योंकि परत आ जांदी है उप्पर। अपना आईज अपना बेस टन हो गया, हुण रह गई अपनी मोटिया मोटिया दो चीजा जिदे च आउंदा है ब्लशर। ते गाइस मैं ब्लशर जिहड़ा यूज करती हां वी कलर भरदा है एंड बड़े न्यूट जी शेड है, समर दे लई बेस्ट है क्योंकि समर च पिंक पिंक जिहड़ा ओह अजीब लगदा, पिंक नहीं करना चाहिदा। सो ये सटल जिहा कलर है न्यूट जी शेड दे विच, ते तुहाडा कीता जिहड़ा बड़ा प्यारा ब्लशर बहुत प्यारा लगदा लगा है। देखते हैं कि ब्लशर न्यूड का बड़ा प्यारा लग रहा है लगा हुआ, क्योंकि ज़्यादा डार्क करते हैं तो अजीब लगता है, डार्क नहीं करना। समर च तो वैसे भी पिंक वगैरह ये वो कलर सूटेबल नहीं होंगे। सो उस तो बाद गाइज फैन ब्रश की मदद के नाल आप अप्लाई करेंगे ब्लशर। सो ब्लशर सॉरी हाईलाइटर, तो आप हाईलाइटर भी जिहड़ा लावांगे ओहो न्यूड जी शेड च लावांगे क्योंकि समर च नहीं सोहणे लगदे ज्यादा भड़कीले। सो आपां मेन मेन पार्ट जिहड़े ओह हाईलाइट करांगे। बाद मेन मुद्दा आ गया तुहाडा लिप्स दा। विदाउट एनी डाउट मैं बहुत छोटे लिप्स आ मेरे, मैनू इस चीज का पता। पाउडर आपां सेटिंग स्प्रे गाइज ऑलरेडी अप्लाई कर चुके सी, ते आपां लावांगे बॉबी ब्राउन का सेटिंग पाउडर जिहड़ा कि मैं एंड ते ही यूज करती हूँ। सो जिथे अपन ज्यादा पसीना आता उथे यूज करना चाहिए, उथे वधिया तरीके नाल ला लो। मैनू पसीने की प्रॉब्लम गाइस सब तो वध फोरहेड ते है, ते अपर लिप्स के नीचे है। सो आईज के नीचे नीचे आप लगा लिया, इहदी इन्नी ज्यादा घट क्वांटिटी लगती है ना, बहुत घट क्वांटिटी चाहिए तुहानू बॉबी ब्राउन दे सैटिंग पाउडर की। और यह तुहाडा पाउडर काफ़ी लोंग लास्टिंग लोंग आ, तो काफ़ी टाइम चल जाता, लोंग लास्टिंग तुहाडे मेकअप नू स्टे करके रखता, तो बहुत वधिया तुहाडा मेकअप रहिंदा। तुसीं अगर मेरे मेकअप नू देखना ना तो मैं तुहानू शाम दी स्टोरियां स्नैपचैट ते पाईआं होणगीआं, तुसीं उस ते देख सकदे हो कि शाम नू भी मेरा मेकअप बिल्कुल ए स्टेबल होगा, ए लगेगा कि जिवें गर्मी मैनू कदे लगी ना होवे, कि मेकअप ताजा ही किया मैं सारी दिहाड़ी, मेरा मेकअप एवं ही रहता है गाइस, कदी नहीं हिलता।
ਸੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ मैं आउटलाइनिंग कर लिया उस तो बाद आपां लिपस्टिक लाऊंगे तो बड़ी न्यूड जी शेड अप्लाई करांगे मेकअप तुसी देख सकते हो ग्लो कितना लग रहा है कोई फिल्टर नहीं लाया हुआ मेकअप आर्टिस्ट फिल्टर लाके दिखाते हैं असि बिना फिल्टर दिखाने कि साडा मेकअप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है तो लास्ट लगे आप सैटिंग स्प्रे हूँ मैं तुम्हें दिखाऊंगी एंड अपनी फुल लुक सो गाइज ये सी अपनी फाइनल लुक मैं करे वीडियो लेना भुल गई सी ते सूट दी फुल डिटेल जेड़ी आ वो इंस्टाग्राम ते थानू मिल जाएगी ते ये रहा अपना मेकअप गाइज दस्यो किवें लग रहा मेकअप अखां दा मेकअप एंड होप थानू पसंद आया होगा अगर थानू पसंद आया तो मैं नैक्सट ब्लॉग भी बनाऊँगी मेकअप का जिस कि आप नवे नवी लुक करांगे ये तो वाइट सूट की लुक सी आप होर अलग अलग जड़िया लुक्स क्रिएट करांगे थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग च।